स्टूडेंट्स, सो द फर्स्ट चैप्टर इज ग्लोब एंड मैप्स। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, इट बिलोंग्स टू ज्योग्राफी सेक्शन, ये भूगोल में आता है। ओके, मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक शीट बना के दिया था जिसमें हार्ड वर्ड का मीनिंग था। आई होप कि आपको, आप लोगों ने उसको याद किया होगा। ग्लोब के बारे में इंट्रोडक्टरी क्लास में आप लोगों को बताया जा चुका था। अब है मैप्स। ग्लोब पृथ्वी का प्रतिकृति है, एक रेप्लिका है। तो मैप्स क्या है? एक ड्राइंग है। मैप्स क्या है? एक ड्राइंग है। आपको समझना पड़ेगा कि ड्राइंग और फोटोग्राफ में क्या अंतर होता है। मैप को समझने के लिए जानना जरूरत है। कोई कलाकार आर्टिस्ट जो है या कोई स्टूडेंट जो है वो हाथी का एक फिगर बनाता है ड्राइंग करके, वो ड्राइंग है। अब फोटोग्राफ है जो हम कैमरा की मदद से स्नैप करते हैं। तो मैप्स वही है जो ड्राइंग होता है। मैप्स के बारे में और डिटेल में हम आगे बताएंगे। पृथ्वी एकमात्र प्लैनेट है जिसपे लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम किसे कहते हैं? लाइफ सपोर्ट सिस्टम वो है जो आदमी को जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए या अन्य क्रिएचर्स के भी सरवाइव करने के लिए आवश्यक हो। हमें वायु चाहिए, एयर, हमें पानी चाहिए, वाटर, और हमें एक फेवरेबल क्लाइमेट चाहिए, टेम्परेचर ऐसा कि मैन सरवाइव कर सके, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो ऐसा प्लैनेट एकमात्र है, वो है पृथ्वी। और पृथ्वी जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक हम लोग बोलते हैं लैंड मास, लैंड मास। दूसरा बोलते हैं वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज। अब सवाल ये है, लैंड मास और वाटर बॉडीज क्या है? तो लैंड मास सीधी भाषा में जो महादेश हैं, महादेश जो हैं उसे हम लोग लैंड मास कहते हैं। और महासागर जो हैं, महासागर जो है वो क्या है? तो वाटर बॉडीज है। एक चीज शायद जानकारी होगी आप लोगों को कि 29 point something अप्रोक्स 30% लैंड है और अप्रोक्स 70% वाटर है। जस्ट इमेजिन कि ये इतना बड़ा पृथ्वी, इतनी बड़ी जनसंख्या जो है वो सिर्फ 30% में बसती है। अब हमको जानना है कि लैंड मास, महादेश कौन कौन है और महासागर कौन कौन है। तो महादेश जो है, महादेश सात हैं। सबसे पहले एशिया, जिस भूभाग में हम लोग रह रहे हैं, एशिया वो भाग है महादेश का जहां हम लोग रह रहे हैं। उसके बाद दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, चौथा है साउथ अमेरिका, पांचवा है अंटार्कटिका, चौथा है अंटार्कटिका और पांचवा है यूरोप, 1 2 3 4 5 6 और सातवा है ऑस्ट्रेलिया। सातवा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। यहां एक बात जानते चले, एशिया इज द बिगेस्ट, बिगेस्ट ऑन द अर्थ, और ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट ऑन द अर्थ। ओके, अब आते हैं हम लोग वाटर बॉडीज पर। किस पर आते हैं? वाटर बॉडीज पर। वाटर महासागर कितने हैं? तो महासागर पांच। कितने महासागर हैं? पांच। सबसे पहले पैसिफिक, नाम सुना होगा, पैसिफिक। इसको प्रशांत महासागर कहते हैं हिंदी में, इसको प्रशांत
महासागर कहते हैं। ये हो गया पैसिफिक। उसके बाद होता है एटलांटिक, 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 उसके बाद है इंडियन ओशन, हिंद महासागर जिसको बोलते हैं, हिंद महासागर, हिंद महासागर हो गए। उसके बाद आर्कटिक, आर्कटिक, आर्कटिक और साउदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। ये पैसिफिक सबसे बड़ा है और आर्कटिक सबसे छोटा है। तो बिगेस्ट क्या हो गया पैसिफिक और स्मॉलेस्ट क्या हो गया आर्कटिक। एक और इंटरेस्टिंग बात है इसके बारे में, पैसिफिक जो है वो 50% अकेले अकर करता है। जितना महासागर का भाव है, भाग है, उसमें 50% वो अकेले कवर करता है। अब है द शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार। शुरू शुरू में लोगों की मान्यता थी कि पृथ्वी चपटा है, लेकिन मैगलन नाम का एक शोधार्थी हुआ, कहने का मतलब वो कि जो जिसने पृथ्वी का भ्रमण किया, लंबी लंबी समुद्री यात्राएं की, उसने बताया कि पृथ्वी राउंड है। बाद में जब हमारा साइंस डेवलप किया और स्पेस विज्ञान आया तो इस बात को कन्फर्म किया गया कि हकीकत में पृथ्वी गोल ही है। मैप और ग्लोब में अंतर हम आपको बताए थे। मैप सर्वप्रथम ड्राइंग किया गया था चमड़े पर या कपड़ा पे, अभी कागज पे मैप मिलता है। मैप का जो संग्रह होता है, कलेक्शन ऑफ मैप्स, कलेक्शन ऑफ मैप्स जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं, उसे एटलस बोलते हैं। ये एटलस की भी एक कहानी है, ये एटलस की भी एक कहानी है, मिथोलॉजी, हमने वो सीट में लिखा था आप लोगों के लिए मिथोलॉजी, वो दंत कथा में, वो मिथोलॉजी में एक कैरेक्टर आता है एटलस जिसका नाम था। तो ग्रीक की ये दंत कथा थी और ग्रीक के लोगों का मानना था कि एटलस नाम का व्यक्ति जो है वो ब्रह्मांड को, विश्व को अपने कंधे पे उठाए रहता है, इसीलिए उसके नाम के आधार पर मैप्स का जो कलेक्शन होता है उसे हमने एटलस का नाम दिया। नक्शा बनाना, नक्शा बनाना वो एक कला है, एक विज्ञान है, एक तकनीक है जिसे कार्टोग्राफी कहते हैं, ये भी आपके सीट में लिखा हुआ है, और नक्शा बनाने वाले को कार्टोग्राफर कहते हैं। नक्शों की पुस्तक को एटलस कहते हैं। अब है कि अर्थ, अर्थ को नापते कैसे हैं? उदाहरण के लिए हम बताते हैं स्केल, स्केल सब पढ़ते हो क्लास में, ज्योमेट्री में स्केल होता है, स्केल एक ऐसा होता है, एक बड़ा होता है, एक छोटा 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 ऐसे होता है। तो ये स्केल की मदद से मान लो पटना से दिल्ली की दूरी है 1000 किलोमीटर, अब ये छोटे से मैप में 1000 किलोमीटर दर्शाना तो संभव नहीं है, तो स्केल में, नक्शा में इतना ये मेंशन किया जाता है और इसके आधार पर